आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि गरीबों के मकानों को तोड़ा जा रहा है। कोई बात, उनका तो जवाब देने जो भाई। मुख्यमंत्री में कोई बदलाव, कोई आगे आप लोगों की आगे की रणनीति? नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार, मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज हमारे साथ मंत्री जी मूलचंद शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आप दौरे पर बासापुर में आज 5 गांवों में गए, आपने लोगों में देखा, लोगों की अपनी समस्याएं भी आपने सुनी होगी। लोग बाग काफ़ी इस समय क्या भाजपा के साथ में अब कैसे दिख रहे हैं कि मनीष यादव भी आपके साथ में जगह जगह तैयारी कर रहे हैं? आज मेरा बादशाहपुर विधानसभा में आज कार्यक्रम था। मनीष यादव यहाँ से पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं और संगठन के लोग सभी हमारे साथ थे। बेन गार्गी भी गक्कर हमारे साथ थे। आज 5 गाँव में हम गए और लोगों की जो पंचायत की जो डिमांड थी, लोगों ने रखी, कहीं सड़क की, पानी की, बिजली की, छोटी छोटी समस्याएं थी और लोगों ने कहा। और जो मोदी जी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और लोगों ने कहा हम वोट भारतीय जनता पार्टी के पहले भी साथ हैं, आज भी साथ हैं, आगे रहेंगे। और हमने ये भी कहा जो भी काम केंद्र से होने हैं, प्रदेश से होने हैं, उन कामों को जल्दी जल्दी करने का काम करें। कांग्रेस के जो विधायक हैं कुलदीप बत्स, उन्होंने एक आरोप लगाया कि मूलचंद शर्मा जी अपने गलेबान में झांक कर देखे कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाने से पहले, उनके तो केंद्र से लेकर नीचे तक के नेता सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ऐसा है, कुलदीप छोटा भाई है, कुलदीप नहीं करे, कुलदीप पे कहलाया जा रहा है। मेरा 38 साल राजनीति जीवन, मैंने बहुत मंत्री देखे, बहुत मुख्यमंत्री देखे, बताएंगे समय आएगा वहीं बताएंगे। मैंने 38 साल में होते मैंने मुख्यमंत्रियों की पर्ची को देखा है, मैंने लोगों की जो पर्ची और खर्ची देखा था। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल है जिन्होंने खर्ची और पर्ची को खात्मा किया है। मूलचंद शर्मा ने एक जिले के काम होते देखे हैं, मूलचंद शर्मा ने 22 जिलों के काम होते नहीं देखे। ये पहला प्रदेश का मुख्यमंत्री है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और हरियाणा में जाति धर्म मजहब सबको छोड़ कर मैं क्या क्या बताऊँ हरियाणा की। हरियाणा को जिस तरह सोमनाथ और मोहम्मद गोरी की तरह लूटा था, इस तरह हरियाणा लूटा है। बताऊंगा कभी समय रहा तो बताएंगे क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। 2024 लोकसभा चुनाव सामने है, किस प्रकार की तैयारियां आप? 24 का चुनाव है, केंद्र भी भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीतेंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी फिर जीतेंगे। लोगों ने देखा है हरियाणा को, इसलिए वोट देंगे। लोगों का नरसंहार देखा, जिस तरह के हालात पैदा हुए थे, आपने झज्जर को देखा, रोहतक को देखा, गुड़गांव को देखा, सब हमने भोगा नहीं, भुगता है, इसलिए वोट देंगे। लोग चाहते हैं हम देश के लिए वोट देंगे, प्रदेश के वोट देंगे, मोदी और मनोहर को वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। आज लोग सुखी है, आज किसी मकान दुकान पर कब्जा तो नहीं है, आज की ज़मीन पर कब्जा तो नहीं है, कोई दुकान बताते, मकान बताते, अपहरण का कोई केस बताते। आज लोग चाहते हैं कि व्यापारी शांति चाहता है, काम होना ना होना बात की बात, आज शांति है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि गरीबों के मकानों को तोड़ा जा रहा है। कोई बात, उनका तो जवाब देने जब आएंगे। 5 राज्यों में चुनाव है, कैसे दिख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, 5 के 5 जीतेगी, सारा देश बीजेपी के लिए। 3-3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दे दी गई है वहाँ पे? हाँ, देना चाहिए, संगठन का तय, संगठन तय करता। मुख्यमंत्री में कोई बदलाव, कोई आगे आप लोगों की आगे की रणनीति? भाजपा सरकार में केंद्रीय मंत्री मूलचंद शर्मा का कहना है कि कुलदीप बत्स के जो बयान है उसका जवाब सही वक्त पर दिया जाएगा, उन्हें भी वक्त का इंतजार है और देखना चाहते हैं कि आगामी 2024 में चुनाव होगा, रिजल्ट क्या रहेगा, उसके आधार पर शायद जवाब दिया जाएगा। उनका कहना है कि जो उनका दौरा बासापुर विधानसभा गुरुग्राम जिले के अंदर चला 5 गाँव में आज, उसमें जनता की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, पानी की, लाइट की, स्वास्थ्य की, तमाम ऐसी व्यवस्थाओं पर उन्होंने चर्चा की और जनता की जो बातें हैं उनका समाधान जल्द से जल्द करवाया जाएगा। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर उन्होंने टिप्पणी की कि 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वो 5 राज्य मिजोरम और तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान है, जिसमें अभी देखा जाए तो 3-3 मंत्री जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको टिकट विधायक के चुनाव को लड़ाने के लिए दिया गया है। वहाँ एक हलचल अपने आप में है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस सवाल पर मूलचंद शर्मा जी ने जवाब ना देते हुए
सैड हो गए। साथ में मूलचंद शर्मा जी ने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस शासन में दूसरों के मकानों पर कब्जे कर लिए जाते थे, तनाशा तरीके से लोग बाग राज किया करते थे, वह भाजपा सरकार में खत्म हो गया है। कैमरामैन सौरभ के साथ रमाकांत उपाध्याय नव समाचार के लिए गुरुग्राम, धन्यवाद।